हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम पे समय समय पे वीडियो बना के हम आपको लीगली अवेयर करते हैं और आज का वीडियो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते हैं कि बहुत समय से हम MPCG की आपको प्रिपरेशन करा रहे थे, हम अपने ऐप के थ्रू, हम अनअकैडमी में, मैं पर्सनली भी अपनी कोचिंग के थ्रू आपको प्रिपरेशन करा रहा था और अनअकैडमी मैंने बहुत सारे, कम से कम आप मान लीजिए 100+ मुक MPCG के लिए, जिसमें GK, कंप्यूटर, इंग्लिश और लॉ भी कवर किया था। और जो पॉसिबल मैंने पेपर देखा है, लोगों से बात हुई है, लगभग 80 क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज से, 80 क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ लॉ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी टेस्ट सीरीज से ही आए हैं। हम अगर बात करते हैं जीके में, तो जीके में मेरे को 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी कराए हुए हैं अपनी टेस्ट सीरीज में। हम अगर बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे द्वारा कराए गए हैं, और इंग्लिश का भी रेशियो करते हैं तो 4 नंबर ऐसे थे जो हम लोग ने लगभग 2 महीने में टच किए हैं, ये तो हमारा रेशियो था। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि देखिए, अभी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कट ऑफ जो भी होगा वो तो ठीक है, अगर जिसका क्वालिफाई हो रहा तो मेंस के लिए जुट जाइएगा, समय एक भी दिन का बर्बाद नहीं करना है। लेकिन जिनका इन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट था कोई रीजन की वजह से, तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पे आप इन टेस्टों के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो, आपको फायदा मिलेगी। चलिए फाइनली अपने टॉपिक पे आते हैं, MPCJ का कट ऑफ क्या हो सकता है। अब देखिएगा, MPCJ का कट ऑफ अगर हम बात करते हैं, जो 2022 में पेपर हो रहा है आपका, इसमें कट ऑफ क्या होगा, तो इस कट ऑफ के लिए हमें पुराने कट ऑफ्स को भी थोड़ा सा पहले ध्यान देना पड़ेगा। एमपी का जो पैटर्न रहा है, लगभग हम 2017 से ये 150 नंबर का पेपर होना चालू किया है। जब पहली बार पेपर हुआ था तो ये आपकी कट ऑफ 131 गई थी, 2018 आते आते ये कट ऑफ 121 हुई, 2019 में फर्स्ट फेज में ये आपकी 118 पहुंची और 2019 के सेकंड फेज में ये आपकी कट ऑफ 115 आई। लेकिन ये बाद में क्या हो गई थी, 115, मतलब मैं इनिशियली मान रहा हूं क्योंकि बाद में कैंडिडेट ज्यादा जोड़ दिए गए थे, तो ये 111 तक पहुंच गई थी। हर बार सीट्स अलग अलग रही, कभी ये 46-7 थी, कभी ये 102 सीट्स थी, तो अलग अलग सीट्स के हिसाब से इस बार लगभग 75 या 76 सीट्स के आसपास थी। तो इस बार कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है, ये 2020 की वैकेंसीज थी। अब बहुत सारे एनालिसिस को हमने ध्यान रखा है। देखिएगा, मैंने वीडियो कोई जल्दी में नहीं बनाई, मेरी कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट से बात हुई, टेलीग्राम में मैंने पोल कराया जिसमें कम से कम 200 लोगों ने वहां पे बताया कि उनके कितने नंबर आ रहे, पर्सनली इंटरेक्शन हुई, पेपर को देखा, देन हम इस पे पहुंचे हैं। और आपने देखा होगा, हमने जितनी भी कट ऑफ प्रीवियसली बताई है, लगभग सारी हमारी कट ऑफ सही पहुंची है। तो अगर हम बहुत सारे फैक्टर्स पे जाते हैं, सबसे पहले फ्राइडे को पेपर था, कुछ लोग कह रहे थे लोग कम होंगे, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं रहा, अटेंडेंस भर के लोग पहुंचे, लगभग मान के चलिए 90% से 95% अटेंडेंस रही है। दूसरी चीज, हरियाणा का पेपर पोस्टपोन हुआ, मींस वो भी बच्चे यहां पे आए, हरियाणा दिल्ली के बच्चे भी पेपर देने आए। तीसरी चीज, लगातार एग्जाम्स हो रहे थे, लगातार राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तराखंड हुआ, आपका छत्तीसगढ़ ADPO हुआ, MP के बच्चे प्रिपरेशन कर ही रहे थे और दिल्ली का प्रिपरेशन, तो बच्चे लगातार प्रिपरेशन में लगे थे। और जब लगातार बच्चा प्रिपरेशन में लगता है तो डेफिनेटली उसकी तैयारी अच्छी होती ही है, ठीक है, तो ये भी है, कंटिन्यूटी की वजह से भी थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ेगा। और आखिरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंटर्स जो थे वो हर शहर में थे। अब सेंटर अगर हर शहर में था तो उसका भी इफेक्ट पड़ा है कि बच्चों ने ज्यादा पेपर दिया है, बच्चे थके वगैरह भी नहीं थे, तो इन चीजों की वजह से थोड़ा सा कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। अब बात आती है पेपर कैसा था, मैं बोलूंगा पेपर मॉडरेट था। देखिए, पेपर था मॉडरेट। अब मॉडरेट पेपर की वजह से क्या हो सकता है, क्या कट ऑफ 131 जा सकती है, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, 131 कट ऑफ नहीं जाएगी। 2000 क्या कट ऑफ आपकी 115 भी जाएगी, नहीं, 115 में पेपर डिफिकल्ट था, उससे सरल था, ये बड़ा इजी पेपर था, ये बड़ा डिफिकल्ट था एमपी के हिसाब से। तो अब कट ऑफ एक मॉडरेट रहने की संभावना है, और जो मेरी बात हुई है लोगों से उसके हिसाब से अगर हम जर्नल की तरफ जाते हैं, जो प्राइमा फेसिया, ठीक है, वो मेरी हिसाब से कट ऑफ 122 से लेके 125 के आसपास रह सकती है, ठीक है, जो 122 से 125 है मेंस की तैयारी कर दे, लेकिन मेरा कहना है जो 119 प्लस है
वो भी मेंस तैयारी करते हैं, क्योंकि तैयारी कभी बर्बाद नहीं जाती। 119 प्लस वालों के भी चांस हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार व्यक्ति नंबर गलत भी बता देते हैं, कभी कभार बच्चे नंबर जोड़ भी नहीं पाते। तो 119 प्लस वाले मेंस की तैयारी करें, लेकिन मेरी संभावना है कि जो कट ऑफ होगी वो 122 से 125 के बीच में रहेगी। ऑब्जेक्शन वगैरह होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्या किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग सकता है, लेकिन तैयारी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आप लोग तैयारी अपनी चालू कर दीजिएगा। दूसरी, अगर हम ओबीसी के बारे में बात करते हैं, ओबीसी की कट ऑफ क्या जा सकती है, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है ये मेरे हिसाब से लगभग 116 से लेके 118 के बीच में पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जिनके 116 से 118 है, या आप 116 से मोटा मोटा 120 भी मान सकते हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जिनके 116 नंबर तक बन रहा है वो तैयारी कर दी, लेकिन मैं बोलूंगा जिनके 113 प्लस भी हैं वो भी मेंस को लेके चले। मैं एक आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, मेरे हिसाब से कट ऑफ जो गोले में है ये होगी, लेकिन ये लोग भी तैयारी चालू कर दे, ऐसा ना हो कि कट ऑफ एक आध नंबर नीचे आ जाए और फिर आप लोग बैठे रहो कट ऑफ के चक्कर में। हम बात करते हैं एससी की कट ऑफ क्या हो सकती है, शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो एससी की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो ये मेरा अंदाज है ये 103 से लेके 107 के बीच में हो सकती है, ठीक है, जो मेरी लोगों से बात हुई है। क्योंकि देखिएगा ओबीसी और ये देखो जनरल हाई इसलिए जा रही है क्योंकि ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिट करते हैं। ओबीसी और एससी में क्या होता है, ऑल इंडिया बच्चा कॉम्पिटिट नहीं करता, केवल एमपी का बच्चा रहता है। अब तो मेरे हिसाब से 103 से 107 या मोटा मोटा 108 भी मान सकते हैं यहां पे, ये कट ऑफ होगी। लेकिन जिनके भी 100 प्लस नंबर है वो मेंस की अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आपका नहीं होगा अगले बार होगा। और आखिरी है जिन एसटी की क्या कट ऑफ जा सकती है, तो एसटी की तो आपको पता होगा सीटें फुल नहीं होती हैं, तो एक बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आकलन किया है, मेरे हिसाब से लगभग 88 से लेके 93 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। और जिनके नंबर भी 83 प्लस है सारे के सारे मेंस की तैयारी चल, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया है, ये एसटी की तैयारी चालू कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के नंबर इससे कम है, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, पहली चीज, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट जो होगा वो तो ठीक है, या तो रिजल्ट का वेट कर लीजिए, या आप एमपी एडीपीओ या अन्य एग्जाम की तैयारी चालू करिए। मैं भी आपको एमपी एडीपीओ यूपी एडीपीओ की फ्री प्रिपरेशन कराने वाला हूं, उसके लिए आप आगे की वीडियो जरूर देखिए जो लास्ट में होने वाली है, तो वहां पे आपको ज्यादा फायदा मिले। अगर आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जुडिशियरी में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जुडिशियल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ अर्थात हमारी अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं, तो मैं आज आपको टोटली फ्री कंटेंट, फ्री क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। और अभी रिसेंटली एमपीसीजे का पेपर हुआ है, तो मैंने अपना पर्सनली बता देता हूं, मैंने जो मॉक वहां पे कराए थे, जो मैंने मॉक टेस्ट, रैपिड रिविजन वगैरह कराई थी क्लासेस, लगभग 150 नंबर में से अगर अपन करते 105 में से 110 नंबर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे मॉक टेस्ट से वहां पर आया है। तो आप भी अगर इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, अपकमिंग वैकेंसी छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, एमपी एडीपीओ यूपी एपीओ के लिए, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब आपको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे अनअकैडमी आपको अवेलेबल करा रहा है, क्या क्या अवेलेबल करा रहा है अनअकैडमी आपको, स्पेशल क्लासेस के फीचर देख लीजिए। स्पेशल क्लास मतलब फ्री क्लास, इंटरेक्टिव लाइव क्लास है, पोल फॉर लर्नर्स है, रेज अ हैंड है, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट और एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर है। इसके साथ साथ फ्री टेस्ट भी चलते रहते हैं समय समय पर, एसिलेट 5.0 सीरीज और अलग अलग आती है, और ये सारी चीज तो है। अब आप चाहते हैं, और मेरी फ्री क्लासेस भी हैं, अब अगर आप मेरी फ्री क्लासेस या इन चीजों से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता देता हूं। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी का लिंक मिलेगा, उस पर क्या करिए, आप क्लिक करिए। अगर ऐप डाउनलोड है तो ठीक है, ऐप डाउनलोड अगर नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से या आप एप्पल स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें क्या करिए, अपना नाम डाल लीजिए, आपसे नाम पूछेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से उसको वेरीफाई कर दीजिए, आपसे आपका गोल पूछेगा, ठीक है, जैसे गोल आता है तो गोल आप डाल देंगे, पीसीएसजे जुडिशरी वगैरह डाल दीजिए। मुझे वहां पर मेरा नाम सर्च करिएगा, जब एक सर्च बॉक्स आएगा तो उसमें शाहबाज चौधरी, ठीक, CHAUDHERY चौधरी, ये आप मेरा क्या कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए वहां पे अनअकैडमी में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है,
आप उसी YouTube वीडियो में आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा जाइए, इसी वीडियो में देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम इसको बड़ी जरूरी से कर लीजिए, टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करिए, विधिक जागरूकता चैनल टेलीग्राम वाले को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मेरी अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग वैकेंसीज, नोटिफिकेशन, सारी चीजों की जानकारी आपको मिलने वाली है। अब क्या करिएगा, जब भी मेरी क्लास होती है, लगभग रोज 7:30 के आसपास मेरी क्लास होती है, रात को 9:30 पे क्लास होती है, मॉर्निंग में भी 10 बजे क्लास होती है, तो आपको इस वीडियो पे जाना है, इस चैनल पे आप रोज आपके नोटिफिकेशन आएगा, उस पे क्या करिए, जो भी मिली क्लास होगी, क्लास की लिंक होगी, आपके लिंक पे क्लिक करिएगा। जब लिंक की लिंक पर क्लिक करोगे, इन टाइम्स पर जो भी आपको उसमें टाइमिंग दी होगी, आप उसमें टाइम आपको लिखा रहता है, सब्जेक्ट लिखा रहता है, तो आपसे कोड पूछेगा, ठीक है, जैसे क्लास में एंटर करने के लिए कोड पूछेगा, आपको एक बार केवल वन टाइम कोड डालना है, और ये कोड होगा SHABAZ10। जैसे ही आप इस कोड को डालोगे, SHABAZ10 कोड अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे ही इस कोड को डालोगे, आपके लिए सारी की सारी अनअकैडमी क्लास रैपिड रिवीजन फ्री हो जाएंगी, सारी क्लासेस, MCQ, रैपिड रिवीजन, सारी चीज फ्री हो जाएंगी, और आप मुझसे जुड़ पाओगे, और डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो इस चीज को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।